उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति प्रोफेसर सत्यकौम ने पूर्वाचल पी जी कॉलेज रानी की सराय में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला नामांकन अभिप्रण एवं प्रतिपुष्टि फीडबैक को दीप प्रज्वलन कर आगाज किए। एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता एवं मुख्य अतिथि के तौर पर कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय नामांकित विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन सामग्री ऑनलाइन एवं प्रिंट उनकी इच्छा अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। अब विद्यार्थी विश्वविद्यालय से एक साथ दो डिग्री हासिल कर सकेंगे। प्रोफेसर सत्यकौम ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का अंक पत्र विद्यार्थियों के घर सीधे भेजा जाएगा। माननीय कुलपति जी ने मीडिया से भी मुखातिब हुए। इस एक दिवसीय कार्यशाला आजमगढ़ मंडल के करीब 50 प्राचार्यों एवं अध्ययन केंद्र के समन्वयकों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन अजीत कुमार मिश्रा ने किया तथा कार्यशाला में आए सभी अतिथियों एवं प्रतिभाग लिए समन्वयकों को डॉ प्रेम प्रकाश कुशवाहा क्षेत्रीय समन्वयक ने स्वागत अभिभाषण दिए। नामांकन प्रक्रिया के विषय पर विस्तार से प्रवेश प्रभारी प्रोफेसर जे पी यादव ने किया तथा समन्वयक द्वारा पूछे गए परीक्षा से संबंधित सवाल का उत्तर परीक्षा निगरत्रक श्री डी पी सिंह ने दिया। पूर्वाचल पी जी कॉलेज रानी की सराय के प्रबंधक डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। कार्यशाला का आयोजन किया गया है तो क्या इसके पीछे उद्देश्य नई शिक्षा नीति में किस तरह से बेहतर सुधार करने के प्रयास आप लोगों द्वारा किया जा रहा है और आजमगढ़ के लोगों को क्या सुझाव देना चाहिए? आजमगढ़ की धरती एक पावन धरती है और आज ही मुझे ये मालूम हुआ कि ये ऋषियों की धरती, तो मैं इन महर्षि की धरती पर आया हूँ और राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय को लेकर आया। इसका एक ही उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश का जो ये जनपद है उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समूह का हो, किसी भी समुदाय का हो, स्त्री हो पुरुष हो, वो शिक्षा से वंचित न रह जाए। जब मैं यहां आया तो मैं पवन भाई से बात कर रहा था, बात बात में मुझे पता चला कि एनसीवीटी जो एक वोकेशनल स्टडीज की एक शीर्ष संस्था है, रेगुलेटरी बॉडी है, उनसे इस कॉलेज को मान्यता मिली हुई है स्किल और वोकेशनल प्रोग्राम चलाने के। तो मैंने कहा कि एक बृहद योजना राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय भी बना रहा है कि हम तमाम उन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से हम गठजोड़ करें जहां पर ये स्किल और वोकेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं बार बार ये कहता हूं कि जो एनईपी की बात आपने कही और एनईपी भी ये बात बात कहती है कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना या सूचना प्राप्त कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं मानता हूं कि ये सूचना का युग है, हमारे पास आप लोगों के माध्यम से बहुत सारी सूचनाएं शीघ्रता से पहुंच जाती है, लेकिन क्या हम इससे ये वादा कर सकते हैं, ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे हाथ की जो शक्ति है, कर्म शक्ति जो है, जिसके लिए भारत प्रसिद्ध रहा है, क्या हम उसको भूलते नहीं जा रहे हैं? क्या हम चाक को नहीं भूलते जा रहे हैं? क्या हम प्लम्बिंग को नहीं भूलते जा रहे हैं? क्या हम अपने हाथ से जो कृषि करते थे उसको नहीं भूलते जा रहे हैं? इसको फिर से वापस लाना है, यही भारतीयता है और यही जो हमारे प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि हमारे भारत को 2047 तक पूर्णतः विकसित कर लेना है, तो भारत को विकसित करने के लिए हमें पश्चिम की ओर नहीं देखना है, भारत को विकसित करने के लिए हमें अपनी ओर देखना है। हम इतने सक्षम हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि हम दूसरों को शक्ति दे सकते हैं, जो विश्व गुरु की बात होती है। तो मैं फिर एनईपी पर लौटता हूं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो पॉलिसी यही कहती है कि अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करो। तो जो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है वो मुख्य रूप से
हिंदी में शिक्षा प्रदान करती है, अंग्रेजी में भी प्रदान करती है, लेकिन मुख्य रूप से तो एक हम एनईपी का ये पालन कर रहे हैं, मातृभाषा में शिक्षा। दूसरा ये कि ज्ञान और कौशल को एक साथ मिलाना, तो अभी तक उस दिशा में बहुत प्रयास नहीं हुआ था, लेकिन मैंने वो प्रयास शुरू कर दिया है। और हम कुछ ऐसे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स चलाएंगे, हम इंडस्ट्री से बात करेंगे, जो यहाँ पर उद्योग हैं, जो आजमगढ़ के आसपास जो उद्योग हैं, उन उद्योगपतियों से बात करेंगे कि उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग, उनको कैसे ट्रेन किया जाए। हम उनके लिए कोर्स मटेरियल्स तैयार करेंगे और वहीं उसकी ट्रेनिंग होगी जहाँ वो काम कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप होगी वहीं पर, लेकिन कोर्स मटेरियल हम तैयार करेंगे, हम उसका सर्टिफिकेशन करेंगे, हम उनको डिग्री देंगे। और अगर वो कार्मिक मान लीजिए कि बीकॉम करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो उनको विशेष सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जैसे हम अपने जेल में रहने वाले बंदियों के लिए जो विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, तो हम एक पूरी योजना बनाएंगे कि यहाँ जो खेतों में काम कर रहे हैं उनको कैसे अच्छे बीज चाहिए, कहाँ से अच्छे बीज मिलेंगे, कहाँ अच्छे ढंग से वो कृषि कर सकते हैं, उनको हम सिखाएंगे। हम बड़ी बड़ी डिग्रियाँ उनको कृषि में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी ये कहती है कि दूर शिक्षा से आप कृषि का अध्ययन अध्यापन नहीं करवा सकते हैं। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, हम कर सकते हैं ये मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन हम सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए एग्रीकल्चर में भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा करेंगे। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरा यूरोप इसमें समा जाएगा। इसमें कई भाषाओं के लोग रहते हैं, हिंदी तो मुख्य भाषा है, यहाँ ब्रज भी बोली जाती है, बुंदेलखंडी भी बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है। मेरा ये लक्ष्य है कि इन भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी मैं कुछ करूँ।